फेमस इंटरप्रेन्योर जिन्होंने बिजनेस में लॉस होने के कारण कर दिया सुसाइड। एक इंटरप्रेन्योर के माइंड में होते हैं तरह तरह के प्रेशर, इन्वेस्टर्स कस्टमर्स का प्रेशर, बिजनेस स्टार्ट तो कर दिया पर फेल हो गया तो, सोसाइटी के निगेटिव कमेंट्स, न जाने कितनी अलग अलग चीजें होते हैं इंटरप्रेन्योर्स के साथ। कुछ लोग इनसे डील करके बन जाते हैं सक्सेसफुल इंटरप्रेन्योर्स जैसे नारायण मूर्ति, रतन टाटा, बट कुछ इंटरप्रेन्योर्स इन सबसे परेशान होकर और बिजनेस में बहुत प्रॉब्लम्स को देखकर इनसे भागना चाहते हैं और कुछ इंटरप्रेन्योर्स कर देते हैं सुसाइड। और आज हम कुछ ऐसे इंटरप्रेन्योर्स की बात करेंगे जिन्होंने बिजनेस में लॉसेस और हैवी लोन्स के कारण कर दिया सुसाइड। तो शुरू करते हैं। नंबर वन ललित सेठ। ललित सेठ लार्ज ट्रेवल्स के फाउंडर है, उन्होंने नदी में कूद कर जान दे दी थी। 1976 में ललित सेठ मुंबई आए थे छोटे से पैसे लेकर और शुरुआत की थी लार्ज ट्रेवल्स की। लार्ज ट्रेवल्स की बहुत अच्छी ग्रोथ होने लगी थी, इसी ग्रोथ के कारण ललित सेठ ने कर्ज लेने शुरू किए अपने वेंचर को फंड करने के लिए। और सबसे ज्यादा टर्निंग पॉइंट तो वो था जब उन्होंने लार्ज एयर की शुरुआत की, वह उन्होंने काफी कर्जा लिया था बट वो बिजनेस मॉडल फेल हो गया और उन्होंने इंटर स्टेट बस सर्विस की शुरुआत की और ये भी बिजनेस मॉडल उनका फेल हो गया और ललित सेठ और लार्ज ट्रेवल्स पर काफी कर्जा हो गया था और बहुत कोशिश करने के बावजूद भी ये लोन नहीं उतर पाया। और 1 अगस्त 2012 को ललित सेठ ने सी में छलांग लगाकर अपनी जिंदगी का डी एंड कर दिया। नंबर टू विजय सिद्धार्थ। विजय सिद्धार्थ कॉफी कैप के फाउंडर है, उन्होंने नदी में कूद कर अपनी जान दे दी थी। विजय सिद्धार्थ का बर्थ 1956 में कर्नाटक में हुआ था। 11 जुलाई 1996 में सिद्धार्थ ने CFF की शुरुआत की थी और देखते ही देखते CFF की तेजी से ग्रोथ होने लगी थी। 2006 में सिद्धार्थ ने हॉस्पिटैलिटी लॉजिस्टिक और कई सेक्टर में एंटर किया। 2015 में CCF का IPO आया। CCF शेयर मार्केट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी या उन्हें बड़ा झटका लगा। सिद्धार्थ ने काफी बिजनेस में एंटर किया था, इसके लिए उन्होंने काफी लोन ले रखा था। वो काफी परेशान हो गए थे, उनके ऑलमोस्ट सभी बिजनेस पर लोन था। सिद्धार्थ के लिए पूरा लोन चुकाना बहुत मुश्किल हो गया था और उन पर प्रेशर काफी बढ़ते जा रहा था और उन्होंने सुसाइड करने का फैसला लिया। अपने फैमिली और रिलेटिव से बात करके सबको सतर्क करके सिद्धार्थ अपने ड्राइवर के साथ कार में बैठते हैं और वो नेत्रावती नदी के पास जाते हैं। वहाँ वो ड्राइवर को लुकने को बोलते हैं और सिद्धार्थ लापता हो जाते हैं। ड्राइवर बहुत देर तक ढूंढता है, वो कहीं नहीं मिलते। पुलिस कंप्लेंट होती है, पूरे एक दिन तक मीडिया में खबर रहती है सिद्धार्थ लापता है। एक दिन बाद सिद्धार्थ की डेड बॉडी नदी में से मिलती है। और अब आप कमेंट में बताएं और कौन से फेमस इंटरप्रेन्योर्स ने सुसाइड किया है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।